नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई। चीन में रहने वाली महिलाओं की स्किन एकदम परफेक्ट और बेदाग होती है। उनकी त्वचा पर उम्र का असर भी कम ही नजर आता है। हर महिला को चीन के प्राचीन सौंदर्य के राज के बारे में पता होना चाहिए। चीनी सौंदर्य रीति और नुस्खों के बारे में हर महिला को जानकारी रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि चीनी महिलाओं की सुंदरता के पीछे क्या राज छिपा है। चीन के सबसे प्रसिद्ध ब्यूटी सीक्रेट में स्किन को टोन करने के लिए चावल के पानी का प्रयोग करना शामिल है। चावल के पानी से त्वचा अंदर से मुलायम होती है। चावल का पानी त्वचा को झुर्रियों और एजिंग के निशानों से बचाता है। ये त्वचा को सन डैमेज से भी सुरक्षा देता है। राइस वाटर से स्किन को कई फायदे होते हैं। पॉलिश ना किए गए चावल को पानी में भिगो दें। जब तक पानी दूध की तरह सफेद ना हो जाए तब तक इसे भीगने दें। अब इस दूधिया पानी में कॉटन डुबोएं और इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। आप इस पानी को 3 से 4 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करके रख सकती हैं। प्राचीन समय से ही चीनी महिलाएं अपनी बेदाग त्वचा के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। माना जाता है कि सदियों से चीन में महिलाएं मूंग दाल से बना फेस मास्क रोज लगाती आ रही हैं। ये फेस मास्क एक्ने के इलाज के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है। इसे तैयार करना बहुत आसान है। थोड़ी सी मूंग दाल लें और उसे पीस लें। ग्राइंड करते समय इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। अब इस पेस्ट को सीधा चेहरे और गर्दन पर लगाएं। आधे या 1 घंटे बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इससे आप भी बेदाग और एक्ने फ्री त्वचा पा सकती हैं। जड़ी बूटियों की मदद से एजिंग का इलाज किया जा सकता है। चीन में महिलाएं एंटीऑक्सीडेंट से युक्त ग्रीन टी खूब पीती हैं और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक भी होते हैं। ग्रीन टी को एंटी एजिंग ड्रिंक के रूप में भी जाना जाता है। ये शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाकर वजन कम करने में भी मदद करता है। नियमित मालिश से शरीर को कई स्वास्थ्य वर्धक लाभ होते हैं। चीनी महिलाओं की खूबसूरती का राज मालिश भी है। रोज फेशियल और बॉडी मसाज से रक्त प्रवाह बेहतर होता है। ये चेहरे की पफिनेस को कम करता है। बॉडी मसाज से पूरे चेहरे की क्रिया बेहतर हो पाती है। पुदीने की पत्तियां सेहत के अलावा सौंदर्य को भी कई लाभ पहुंचाती हैं। इससे चमकदार त्वचा पाने में मदद मिलती है। अगर आप भी अपनी त्वचा की रंगत को निखारना चाहती हैं, तो पुदीने की पत्तियों का प्रयोग करें। तुरंत गोरी त्वचा पाने के लिए पुदीने की कुछ पत्तियों को पीस लें और पेस्ट तैयार करने के लिए इसमें पानी की कुछ बूंदें भी डालें। अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाएं। गर्मी के मौसम में ये पेस्ट ठंडक भी देता है। सदियों से चीनी महिलाएं मसालों का इस्तेमाल करती आ रही हैं। आज भी त्वचा के निखार के लिए चीन में महिलाएं हल्दी का इस्तेमाल करती हैं। आप हल्दी से बना फेस पैक लगाकर स्किन को टोन कर सकती हैं। हल्दी झुर्रियों को भी कम करती है। ये पिगमेंटेशन को भी कम करती है। चीन में महिलाओं की त्वचा बहुत मुलायम और कोमल होती है। इसलिए क्या आप जानते हैं कि उनकी इस त्वचा का राज क्या है? ये राज है हमारे किचन में मौजूद अंडा। जी हाँ, अंडे के सफेद हिस्से से फेस मास्क तैयार करें और उसे चेहरे पर लगाएं। अंडे के सफेद भाग में एस्ट्रोजन यौगिक होते हैं जो त्वचा को एजिंग से बचाए रखते हैं। इस तरह इन चीनी नुस्खों को अपनाकर आप भी बेदाग और सुंदर त्वचा पा सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बोल स्काई।